नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आप मेरा लुक देख के समझ ही चुके हैं कि कुछ स्पेशल डे है। जी हाँ, गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज फर्स्ट डे है 19 सितंबर, और मेरे घर में 10 सालों से गणपति जी आ रहे हैं, और हर साल की तरह इस साल भी मैं गणपति जी को अपने घर ला रही हूँ और 10 दिन के लिए ला रही हूँ, और धूमधाम से उनका स्वागत करने वाली हूँ। उनके वेलकम में कोई कमी नहीं रहेगी। 10 दिन उनको रखने के बाद 28 सितंबर को उनका विसर्जन करेंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बप्पा का स्वागत का मौका मिलता है, और बप्पा और देख रहे हो कि मौसम बारिश का हो चुका है, बप्पा के स्वागत में बरसातें भी हो रही है। इस वीडियो में बताऊंगी कि बप्पा के स्वागत में मैंने क्या क्या तैयारी की है, कैसे मंडप बनाया, कहाँ बुकिंग की, और यहाँ पे कैसे गणेश उत्सव मनाया जाता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगी। उसके साथ साथ मैंने भोग में पप्पा के लिए आज क्या स्पेशल बनाया है वो सब भी बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, और चलते हैं आज की दिन की शुरुआत करते हैं। गणपति पप्पा मोरिया। मैंने बप्पा के स्वागत में क्या क्या तैयारियां की है आपको लेके चलती हूँ मैं अपने फ्लैट के अंदर। अभी बप्पा को आने में थोड़ा टाइम है, मैं खुद जा रही हूँ लेने के लिए। तो आप देख रहे हो कि मैंने अपने मेन गेट को थोड़ा सा डेकोरेशन किया है, थोड़ा तोरण लगाया है, और थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट किया है, और आपको मैं अंदर लेके चलती हूँ। तो जैसा कि घर पूरा तरह से सज चुका है मेरा, कि बप्पा के आने की खुशी में, कि अभी 10 दिन बप्पा हमारे यहाँ रहने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे साथ कि ये जो मैंने बप्पा का मंडप तैयार किया है, ये मैंने खुद काफ़ी टाइम से मेहनत करके अपने हाथों से ही तैयार किया है। बाहर से डेकोरेशन वाला नहीं बुलाया है, सब खुद से किया है। और उसके बाद आप देखो कि ये बप्पा के लिए मैंने जो इनका आसन तैयार कर रखा है, बप्पा आएंगे तो वहाँ इनके लिए फ्रूट्स भी रेडी है कि उनके उनको भूख लगेगी उसके लिए। उसके साथ साथ मैंने यहाँ कलश के लिए भी तैयारी कर रखी है, जो मैंने येलो और पिंक रंग की चावल से एक कलश का बना रखा है। और यहाँ जो मैंने सामग्री रखी है पूजा की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो क्या होता है कि बप्पा जो हमारे हैं वो 2-2.5 फुट के आते हैं, तो हम उनको सारा कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये छोटे बप्पा जो हमारे घर के हैं इनका सारा होगा। पंचामृत से स्नान होगा, उसके बाद ये जो है ये सब उनके सामान रखे हुए, जैसे पंचमेवा है, हल्दी, कुमकुम, ये गुलाल है, चावल है, फ्लावर है, उसके बाद पान सुपारी, और ये आम का पल्लू जो लगता है पूजा में। उसके साथ साथ बप्पा का सबसे फेवरेट डूब का मैंने माला लाया है। उसके बाद ये जनेऊ है, ये पंचामृत रखा है यहाँ पर, जो कि इससे मैं अपने जो घर के बप्पा हैं उनका पंचामृत से स्नान करके, प्राण प्रतिष्ठा करके उनको यहाँ पे स्थापित करने वाली हूँ। उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो ये कलश के लिए रखा गया है, इसको भी अभी हम सजाएंगे। और उसके साथ साथ ये थाली जो आप देख रहे हो, ये थाली लेके मैं जाने वाली हूँ बप्पा के पास, जिसमें आप देख रहे हो कि मैंने एक बप्पा को ढकने के लिए एक मैंने ये चुन्नी रखी है, नारियल रखी है, उसके बाद ये शगुन के कुछ हम अमाउंट देते हैं उनको, उसके बाद पान सुपारी फूल है, उसके बाद अक्षत है, ये जल है, ये 5 नारियल है जो कि मैं बप्पा को चढ़ाऊंगी जब बप्पा आएंगे। उसके साथ साथ उनके लिए जो भोग का मैंने बनाया है अपने हाथों से, वो भी चढ़ाऊंगी। उसके साथ साथ मैं 5 तरह की यहाँ मिठाइयाँ वगैरह सब ऑलमोस्ट रेडी है, वो सब आप अभी देखोगे आगे आगे क्या होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे सारे दीप वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, और अब हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं बप्पा के स्वागत के लिए। बप्पा को लेने जाएंगे, उनका होगा यहाँ पे मेरे घर में स्वागत, और 10 दिन के लिए वो मेरे घर में विराजमान होने वाले हैं। और आप स्पेशली ये ब्लॉग मैंने बप्पा के लिए बनाया है कि आप भी देखो कि हम घर में कैसे करते हैं सारी तैयारियाँ 10 दिन बप्पा के स्वागत में। और आगे आगे आपको सब कुछ दिखाऊंगी, पूजा विधि वगैरह जो भी होगी, आरती होगी, आरती मस्त होती है, भोग वगैरह सब दिखाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं बप्पा को लेने की। तो दोस्तों, मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं बप्पा को लेने के लिए, उनके स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी है। गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए स्पेशली मेरी फ्रेंड ट्रैवल विद जो आई हुई है हिसार से, जो कि सारा शूट करेगी, और मेरे एक और फ्रेंड है जो अक्षय हैं, और अक्षय और जो हम साथ में जा रहे हैं गणपति जी को लाने के लिए, और उनका स्वागत करेंगे बड़े धूमधाम से। गणपति बप्पा मंगल
तो देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सारे गणपति कल से ही निकल रहे हैं, कुछ ही बचे हुए हैं और हम भी आ चुके हैं अंजलि आर्ट्स में गणपति लेने के लिए। आ रहे हैं हमारे बप्पा, ये है हमारे बप्पा। बारिश की वजह से सब ऑलरेडी धूल गया है। भीग गया है तो हम थोड़ा सा बप्पा का पूजा करके इनको घर ले चलते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो दोस्तों मैं बप्पा को लेके आ चुकी हूँ मैं अपने सोसाइटी के नीचे और अब इनको लेके जा रही हूँ अपने घर पे और 10 दिनों के लिए इनका करूँगी पूरा सेवा सत्कार ताकि ये पूरी तरह से हमसे खुश रहे। तो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो बस बप्पा आ गए हमारे घर, अब इनका हम वेलकम करते हैं। तो बस अब बप्पा को लेके हम चल रहे हैं घर पे, हो गया इनका वेलकम। गणपति जी यहाँ पे विराज चुके हैं अपने सिंह। तो ये जो मूर्ति बनती है उसमें जो मिट्टी यूज होता है वो मिट्टी हम वहाँ से लेके आते हैं और अगर पाठ लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो लगा देते हैं तो ताकि 10 दिन गणपति बप्पा यहाँ से हिलेंगे नहीं, कि हम ये मिट्टी पहले इनके चारों तरफ लगा देते हैं। क्योंकि अब ये मिट्टी जब यहाँ लग जाएगी तो ये गणपति यहाँ से नहीं हिलेंगे और ये फिक्स हो जाएंगे यहीं पे। मैंने तिलक कर दिया है और मोली बांध दिया और इसके अंदर कॉइन डाला है और इसको अब मैं पान का पल्लू और साथ में डालेंगे इसमें नारियल और ये इस नारियल को भी मैं ऐसा मोली से कवर करती हूँ। कलश का नारियल तैयार है तो सबसे पहले मैं कलश को रखूंगी और कलश के लिए मैंने ऑलरेडी चावल को कलर करके डेकोरेशन कर दिया था यहाँ पर और ये मैं यहाँ पे रखूंगी। अब ये 10 दिन यहाँ से बिल्कुल हिलेगा नहीं और ये बप्पा के साथ ही जाने वाला है। घर के छोटे से बप्पा हैं जिनको अभी मैं पंचामृत से स्नान करके इसके साथ स्थापित करूंगी क्योंकि बड़े बप्पा की हम सब कुछ नहीं कर सकते इसलिए इनका सारा प्राण प्रतिष्ठा इनका करेंगे और जब विसर्जन होगा तो हम उन्हें विसर्जन करेंगे। पंचामृत मैंने तैयार रखा है जिसमें गंगा जल घी शहद दूध और दही है तो एक एक करके हम सबसे इनको स्नान करवाएंगे। तो ये हमारे जो छोटे पप्पा हैं इनको भी हम रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान कर देंगे और इनकी अब पूजा करेंगे। ये जनौ है जो कि एक कलश पे डालते हैं और ये बप्पा के लिए भी मैं थोड़ा क्योंकि अलग से मैंने कोई वस्त्र नहीं लिया है तो मैं मोली के का ही वस्त्र बना के इनको पहना दूंगी। अब हम अपने बड़े बप्पा की पूजा करेंगे जिसमें सबसे पहले 5 पान अब इसमें करेंगे हल्दी कुमकुम इनको नारियल अर्पित करूंगी
क्योंकि कोई भी फ्रूट 10 दिन तक टिका हुआ नहीं रहता है, तो क्या होता है कि फ्रूट फ्रूट खराब हो जाते हैं, और पप्पा कभी भूखे नहीं रहने चाहिए, इसलिए उनको मैं नारियल दे देती हूँ ताकि वो भूखे ना रहे, क्योंकि फ्रूट्स हम चेंज करते रहते हैं और ये 10 दिन तक ऐसे ही रहेगा, ये 10 दिन के बाद हटेगा। मुख दर्शन करेंगे तो सब एक बार जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इनको वस्त्र जो मैं इनके लिए लेके आई हूँ, हर कलर के वस्त्र मिलते हैं, आप अपनी इच्छा के हिसाब से हर कलर का कुछ भी ले सकते हो। मैंने येल्लो लिया है क्योंकि मेरा मानना है कि गणपति बप्पा को येल्लो कलर ज्यादा प्रिय होता है। बराबर कर दे। तो बप्पा को मैंने पोशाक पहना दिया है, अब इनको थोड़ा तिलक वगैरह कर देते हैं। और उनका सबसे प्रिय दुब है जो मैं लेके आई हूँ उनके लिए, तो ये दुब की माला है जो मैं इनको अर्पित कर रही हूँ। अब हम दिया जलाएंगे और इनकी आरती करेंगे। हो गया, अब आरती होगी बस। ब्रिकनाची नुड़वी पुड़वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठ सिंदूरासी, कंठी धर के मार मुक्ता पराची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव, धरती सांबर विरवर वंदना, सरल सुंदर वक्त तुंड त्रिनयना, दास रामा जावट पाए शरणा, संकटी दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति, जय देव जय। तो बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उनको मैंने स्थापित कर दिया, उनकी पूजा अर्चना हो गई, आरती भी हो गई है, घर में भोग भी लग गया है, और अब हम भी भोग खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। तो आपने आज के ब्लॉग में देख लिया है कि मैं गणपति बप्पा को कैसे अपने घर पे लेके आती हूँ, लगातार 10 सालों से मैं लेके आ रही हूँ, और इस साल भी हर साल की तरह इनकी पूजा अर्चना, इनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने, और अब इनकी पूजा अर्चना हो गई, इनको मैंने स्थापित कर दिया प्राण प्रतिष्ठा के साथ, और 10 दिनों तक अब मैं करने वाली हूँ इनकी सेवा, और 10 दिनों तक मेरे घर में आप सभी कभी भी आ सकते हैं, सबका वेलकम है। और क्योंकि 10 दिनों तक घर का दरवाज़ा बंद नहीं होता, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप बप्पा को जब घर में लाते हो ना, तो आप डोर वगैरह क्लोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी किसी मेहमान को घर में लेके आते हो तो आप उनको बंद करके कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए डोर क्लोज नहीं होता। तो बप्पा हमारे यहाँ एक मेहमान की तरह आए हैं, 10 दिनों तक रहेंगे, और आखिरी के जो दिन होंगे 10वें दिन, यानी कि इनका विसर्जन करेंगे हमें 11वें दिन, और जो कि इनका विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन, और आज है गणेश चतुर्थी, और आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा आते हैं, और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन होता है। तो हर बार की तरह 10 दिनों की सेवा करके मैं इनका विसर्जन कर दूंगी। तो एक बार फिर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया।